हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। चैप्टर्स का नाम है हमारा चैप्टर 4 है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारे चैप्टर्स का टॉपिक का नाम है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। मतलब प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एक ऐसी मेथड होती है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को सरल तरीके से बनाना सीखते हैं, वो कहलाती है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम और दूसरा होता है बेस्ड ऑन मेकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम के दो तरीके होते हैं। पहला होता है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है आपका बॉटम अप अप्रोच होता है। टॉप डाउन मेथड क्या होती है? टॉप डाउन मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसके द्वारा हम दिए गए प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, वो कहलाती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं, वो कहलाती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच क्या कहलाती है? कि लार्जेस्ट सब सिस्टम्स, यानी लार्जेस्ट जो सब सिस्टम, यानी कि दिए गए प्रोग्राम को, जो बड़ा प्रोग्राम्स होता है, उसे हम नीचे से ऊपर की ओर छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़कर हम एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, वो कहलाता है आपका बॉटम अप अप्रोच। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट मेथड होती है, बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मेकिंग प्रॉब्लम की। तो बेस्ड ऑन मेकिंग प्रॉब्लम के तीन मेथड होते हैं, दूसरा होता है, पहला होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? ये इसमें टॉप डाउन अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम आपका दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का, तो उसमें हमें तीन मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे। इनपुट वेरिएबल कौन कौन से लेने हैं, दूसरा क्या रहेगा फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, और प्रिंट करने के लिए हमें कौन सा वैल्यू लेनी है। तो इसी प्रकार से हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में तीन मॉड्यूल्स को बनाकर हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें प्रोसीजरल का प्रयोग किया जाता है। प्रोसीजरल मीन जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस है, एल्गोल है, फोर्ट्रान भाषा है, ये सारी आपकी स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो इसमें पहले स्ट्रक्चर बेस्ड, यानी कि पहले जो है फॉलो करना पड़ता है, जैसे हेडिंग फाइल है, हेडर फाइल आपको पहले इंक्लूड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मेन फंक्शन इंक्लूड करोगे, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, फिर फॉर्मूला पुट करोगे, फिर प्रिंटिंग फंक्शन लगाओगे। तो ये क्या होगा? तुम्हारा स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग हो गया, यानी कि आपको पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, फिर वर्ड मेन लगाना है, मेन फंक्शन इंक्लूड करना है, फिर आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करनी है, फिर फॉर्मूला पुट करना है, फिर फॉर्मूले में जो वैल्यू आपने रखी हुई है, जो भी आपने वेरिएबल लिखा हुआ है, उस वैल्यू को आप प्रिंट करेंगे। तो आपका ये कहलाता है आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी का एडवांस मेथड होती है, प्रोग्राम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को इनबिल्ट किया गया है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, एनकैप्सुलेशन है। तो ये आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स वाला मॉड्यूल वाला वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। और मैं जितनी सारी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ। हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस बाय राहुल गुप्ता सर। आप हमारे चैनल पर आकर भी इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और खूब पढ़ाई करें और खूब मस्ती करें। थैंक यू।